मेरा आज सुबह मेरा बहुत जल्दी सारा काम ख़त्म हो गया था, तो सुबह सब नहा धो भी लिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो मैंने कपड़े अपने धो लिए थे, मतलब 10:30 हो रहे थे, सुबह के 10:30 बज रहे थे, तो मेरा मतलब सुबह सुबह 8 बजे काम हो गया था, इसलिए तो मैंने सोचा खाली बैठने से तो अच्छा है मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो 10:30 हो रहे थे, मैंने कपड़े मतलब धुल गए थे, तो वही तो मैं धो धा के मतलब कि अब धोने के लिए ना बाथरूम में फिर डर लगता है फ़ोन पानी में ना गिर जाए, इसलिए नहीं दिखाया। तो मैंने धो लिए थे, धो के मैं बाहर फ़ोन लेके आई थी, ऊपर ही रखा हुआ था फ़ोन, तो ऊपर से फ़ोन लेके आई थी, उसके बाद मैंने कपड़े डाले थे। तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं, उसके बाद मैं सुखाने के लिए डाल रही हूँ उन्हें। घर में मशीन तो नहीं है, इसलिए सब मैं हाथ से ही मतलब हमारे घर में हाथ से धो लेते हैं, अपने अपने कपड़े सभी धोते हैं, तो इसलिए मम्मी अपने कपड़े अपने आप धो लेती हैं, मैं अपने कपड़े अपने आप धो लेती हूँ। पापा के कपड़े होते हैं तो मम्मी धो देती हैं, नहीं तो पापा खुद ही धो लेते हैं। पापा मना करते हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि पापा पेंट वगैरह का काम करते हैं ना, तो उनके कपड़ों पे थोड़े दाग वगैरह लग जाते हैं, तो वो कहते हैं मैं खुद ही साफ़ कर लूँगा। तो इसीलिए कभी कभार होता है कि मम्मी धो देती है, वरना पापा अपने कपड़े खुद ही धो लेते हैं, वो मना करते हैं धोने के लिए। इसलिए सब मतलब कि हम तीन जने हैं घर में, तीनों अपने अपने कपड़े खुद ही धो लेते हैं। मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं इकट्ठे करके धोती हूँ, मम्मी अपने हाथों हाथ धो देती है, पापा भी अपने जब नहाते हैं पापा वो अपने धो लेते हैं, 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं उनके, तो उन्होंने तो इतने कपड़े बनाए नहीं रखे कि वो ज़्यादा धोएंगे। चार पापा के 3 या 4 जोड़ी कपड़े हैं बस खाली, इसे वो कहते हैं ज़्यादा कपड़े करके क्या करना है, बस मेरे घर में ज़्यादा कपड़े हैं, मम्मी के और मेरे कपड़े ज़्यादा है, पापा के तो बहुत ही कम है, पापा के तो एक बैग में ही आ जाते हैं, मेरे और मम्मी के तो पूरी अलमारी में भी कम पड़ जाएँ, इतने कपड़े हैं। इसीलिए पापा के 2-4 कपड़े पापा कहते हैं मेरे नहीं इतने कपड़े, इसीलिए वो खुद ही धो लेते हैं, अपने 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं वो खुद ही धो लेते हैं। इसलिए तो मेरे धुल चुके थे कपड़े, तो मैं टांग रही थी। सुबह सुबह ही पानी आता है ना, तो सुबह सुबह धुल जाते हैं कपड़े तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर बाद में क्योंकि हमारे यहाँ पर टंकी वगैरह नहीं है ना, ये बाल्टी ड्रम वगैरह इन्हीं में पानी होता है, तो ये पानी आता है उस टाइम भरते हैं तो ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने नाश्ता कर लिया है और कन्हैया को भी नाश्ता दे दिया था, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था नाश्ते में मेरी मटकी वगैरह, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। कन्हैया को भी नमकीन दी थी, नमकीन और दूध दिया था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो नाश्ता कर लिया है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मिलते हैं बाद में, बाय। खाने में क्या, बस खाली रोटी बनानी क्योंकि सब्जी रखी हुई है, तो इसलिए मिलते हैं बाद में, बाय। दोपहर के बज रहे थे 1, मम्मी 1 बजे आती हैं खाना खाने घर पे, तो मैं और मम्मी साथ में खाना खाते हैं, मैं मम्मी के साथ खाना खाती हूँ, तो मैं और मम्मी खाना खा रहे थे, खाना वगैरह बन गया था, खाना क्या बस खाली रोटी बनानी थी इसलिए। तो मैं नहा धो के आ गई थी, उस टाइम मैंने कन्हैया को नाश्ता वगैरह दे के, पूजा मम्मी ने कर दी थी, नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था कन्हैया को, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, इसलिए नहा धो के आई थी, मैंने कन्हैया को नाश्ता दिया, इसलिए वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, ज़्यादा देर हो जाती इसलिए। तो 11 बजे तक मेरा सारा काम हो गया, तो उसके बाद तो मैं खाना बनाने गई थी, तो मम्मी और मैं कुछ बातें कर रहे थे ऐसे ही खाना खा रहे थे, तो मम्मी किसी चीज़ की बोल रही थी ना, तो उसी बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बिजली के बिल की बात हो रही थी हमारी और मम्मी की, तो बस वही। मम्मी मतलब मैंने फ़ोन नीचे रख रखा था ना, मम्मी कह रही थी ऐसे फ़ोन सरका के तोड़ रखा है, तो मतलब फ़ोन ना थोड़ा सा ग्लास तो चढ़ा हुआ है पर फ़ोन का वो ग्लास ही टूटा है, वही मम्मी कह रही थी, कह रही स्टैंड में लगा लिया करिए वो, तो बात वगैरह कर रहे थे मैं मम्मी। बस हमारी ऐसी बातें हो रही थी और खाना खा रहे थे। राजमा बना रही थी, मैंने ज़ीरा पहले ही डाल दिया है, तेल गरम हो चुका था, उसके बाद गरम वो मतलब तेज पत्ता और हींग
और ये काली मिर्च पीस रख, मतलब मैंने उसको पीस लिया था। ये अदरक लहसुन और टमाटर, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट था ये मैंने डाल दिया था। 2 गरम मतलब 2 मैंने तेज पत्ते डाले थे। इसको आज प्याज लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मतलब कि थोड़े गोल्डन हो जाए कब तक, फिर उसके बाद डाला था मैंने टमाटर। उसी में मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं मिर्ची धनिया यही सब डाल लिया था। गरम मसाला हमारा ख़त्म हो चुका है इसलिए मैंने गरम मसाला नहीं डाला था, बस खाली नॉर्मली नमक मिर्ची धनिया ये सब था। तो मैं टमाटर डाल दिए थे मैंने, मैं अच्छे से भून लूँगी। मतलब जब कहते हैं जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ने लगे तब तक वो पकता नहीं है, तो इसीलिए मैं वही कर रही थी। जैसे अभी साइड साइड में ऑयल छोड़ रहा है, तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था राजमा, क्योंकि फ़ोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे स्टैंड में लगाना चाहिए, ध्यान ही नहीं रहा मुझे, वो मैंने फ़ोन हाथ ही में ही पकड़ रखा था, तो इसीलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था जब मैं राजमा डाल रही थी। ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उसके बाद मैंने कम गैस कर दी और आटा मैंने लगा लिया था। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी। तो अगर आप सभी को आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। राधे राधे, जय गुरु जी।